ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 62 ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਆਫੀ ਇਹ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ 62 ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ काफले विच कई विधायक मौजूद ने घर 62 विधायक के करीब पहुंच चुके ने ते आज अमृतसर विच शक्ति प्रदर्शन नवजोत सिंह सिद्धू वालों किया जाएगा ये तस्वीर तुसी वेख सकते हो किन्नी भीड़ अमृतसर वाले घर के बाहर नजर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी पहुंचे ने ते विधायक भी पहुंचे ने नौजवान बंदे नूं जिहड़ा पंजाब दा प्रधान बनाया गया असीं जी जान नाल सारे इकट्ठे हां देखो माझे दे विच इह है जदों माझे दे विच साडे प्रताप सिंह कैरो जी मुख्यमंत्री बने से उदे तो बाद मैनू लगता भी पहले बारी हिंदुस्तान दे विच जे कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नवजोत सिद्धू बनेगा मैनू ऐ लगता हुंदा कि सानू कट्ठे हो के क्योंकि जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह होना नू याद होना जदों प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन लगे सी तां इन्हां ने एक चिट्ठी लिखी सी सोनिया गांधी जी नू ते उहदे विच इन्हां ने पता नहीं की लिखिया सी ते हुण आ 2-3 दिन होए आ दोनों लीडर डिनर करके गए आ मैं चंगी गल आ पर जे इदां दीआं गल्लां करके भी जे बैठिया जा सकदा सी तां पब्लिक दे कम्मां दी गल करदे आ पब्लिक दे इशूज़ दी गल करदे आ तां फिर मैनूं लगदा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं फराक दिली दिखाउणी चाहीदी आ साडे तों बहुत वड्डे हैगे आ मैं तां हमेशा जिहड़ा क्योंकि गल पार्लीमेंटेरियन लैंगुएज दी आ गल इशूज़ दी आ और इशूज़ नूं असीं विसार नहीं सकते मामला जिहड़ा सिद्धू साहब दे लैवल तों उपर दा होगा वो हाई कमांड जो कहेगी वो सब हो जाएगा देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे बहुत सत्कारयोग है मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे बॉस है और मैं उन्हां दी किसे गल ते कोई कमेंट नहीं कर सकता इदां ही हुंदा जदों परिवार दे विच एकजुटता हमेशा ही रही है हुण भी होजूगी थोड़े बहुत जे डिफरेंसेस हो जाते कई बार पर मैं नहीं लगता कोई डिफरेंसेस है पावर ही अलग अलग ने दैट इज देयर डिसीजन वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ही इज टू टेक ए डिसीजन ही इज टू टेक ए कॉल वट इज टू डू सो असी तो यह विश करते हैं गुरु महाराज के घर चले हैं कि जो रेड़का थोड़ा बहुत रह गया है ये जल्दी खत्म हो कांग्रेस पार्टी जी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ीए तो आप सरकार बनाईए दोहे बहुत सीनियर साढ़े नेता है दोवे च बड़ी फराक दिली हैगी है ये आपस माड़ा मोटा मिसअंडरसटैंडिंग है जी रिजोल्व हो जानी कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं सारे इकट्ठे हो के सीएम साहब की सरपरस्ती के थले तो सरदार नवजोत सिंह मैं संतुष्टि नहीं है माफी मंगनी तो फिर ही मैं अगर बदा फिर ही मैं उन्होंने मिला बिल्कुल सही हो जाना हैगा तुसी समा दिओ समय दे नाल बिल्कुल जी आशीर्वाद ते बुजुर्गां दा लेना ही चाहिदा लैन जावां माफी मंगनी चाहिदी है कि नहीं सवाल माफी दा माफी बाकी एमएलए कहंदे कि प्रधान बना के हाई कमांड ने भेजा माफी नहीं मंगनी चाहिदी इह गल इहदे बारे मेरी कोई राय नहीं जी मैं कुछ नहीं कह सकदा पर जिहड़ी जुड़ता किवें दत्ती साहब दिखेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई दी चोण लड़ी जाएगी कि सिद्धू दी अगवाई दी इह हाई कमांड दा फैसला जी कैप्टन साहब सीएम सीट ते काम करनगे अपना इह पार्टी प्रेजिडेंट ते खत्म हो गया जो बोलते ना काटो कलेश खत्म हो गया आने वाले 2-4-5 दिन च कैप्टन साहब सिद्धू साहब तुहानू सारे इकट्ठे नजर इसके ऊपर टिप्पणी करना तो मेरा वैसे कोई बनता नहीं है वैसे जितना मैं कैप्टन साहब को जानता हूँ उनका बहुत बड़ा दिल है
अभी कोई अगर उनके मन में कोई बात है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी और इकट्ठे होकर कांग्रेस जरा इलेक्शन लड़ेगी। देखो इसमें मांगना ना मांगना मेरे ख्याल से जो माफ़ करने वाला होता वो सबसे बड़ा होता, और जैसे मैंने बोला कि कैप्टन साहब का दिल बहुत बड़ा, उन्होंने बाजवा साहब के साथ भी उनके मतभेद थे उन्होंने दूर किया, सिद्धू साहब के साथ भी अगर होंगे वो भी दूर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।